तरिया हवन नगर में भी 500 लीटर आ रहे कश्मीर डे मनाया जा रहा है। और जिस तरह आवाम अलसा दावे करती है कि कश्मीर हुकूमत का मुद्दा चला गया है शहरी मौजूद है दम के लारू है क्या मंजिल मंजिली पे जाके दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर हम खून भी है तलवार भी है इंडिया में या खून में नहाकर दम लेंगे या पद में जहाँ में ये सब तेलानी परचम है हर हाल में ये लहराएगा हमारी माओ ये नगमा है आजादी का दुनिया को पूरा कर दम लेंगे। मैं अपनी बेइज्जती पे और उन लोगों पर जो ये कहते हैं इन रैलियों से क्या बनेगा इनसे क्या बनता है मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इनमें से ये अहले ईमान जिनके अंदर कश्मीरी मुसलमानों की तरफ है इनमें से अगर दो मुजाहिदीन पैदा हो गए तो हमने अपना हक अदा कर दिया उनका बदला लेंगे क्यों कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं और मैं मकबूजा कश्मीर एक दूसरे से अलग नहीं है और इंशाल्लाह ताला मैं एक दिन इस नज़म के साथ कश्मीर को आजाद करवा के तूफान हो गया घर के दर पे गुना के यूं बैठना जाओ कुछ तो करो ऐसा है तूफान हो गया घर के दर पे यूं बैठना जाओ कुछ तो करो खिड़की के शीशे पर ताला भी लगाओ कोई शहरी मौजूद है इंसान के कब्जे के दर पे एक शब्द नहीं ये बात कुछ है साफ शफाफ है आंखों से सुनाओ कुछ तो करो और सुल्तान के कचरे मर मर का दरवाजा आहन बंद नहीं जब तोड़ नहीं सकते जंजीर मिलाओ कुछ तो करो जलते हुए घर के लोगों जलते हुए घर के लोगों तूफान में गिरे क्या सोचते हो जब आग बुझाना मुश्किल हो बाहर निकल आओ कुछ तो करो मेहरू के तमन्ना रहने का कश्मीर हमारी शान का खा जाएगा तुम्हें मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी अपनी रैली निकाली है उनके एक कारकुन एक अदाकार हमारे साथ मौजूद है पूछते टाइम वो कश्मीर के बारे में क्या पैगाम देते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई पांच फरवरी कश्मीर के सॉलिडरिटी डे है इसके ऊपर हम लोग ये पैगाम देते हैं कि हम पाकिस्तानी आवाम कश्मीरियों के साथ पहले दिन से खड़ी है और इंशाल्लाह आज तक खड़ी रहेगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम मुस्लिम यूथ लीग इसकी तरफ से रैली निकाली गई है और कारकुनों का इजहार यकजहती के लिए निकाली गई है कि हम लोग कश्मीरियों के साथ हैं और इंशाल्लाह कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं हम कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे जी।